بسم الله الرحمن الرحيم. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जो कि कोलमैन एंड हेन की किताब 8 एडिशन के पेज 408 पे हैं, और ये है चैप्टर 8 का ये पहला टॉपिक है. तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो हैं वो क्या है. अगर एक मैट्रिक्स से m n क्रॉस n एक मैट्रिक्स हो, देन दिस लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x इन R n सच दैट दिस इक्वेशन is satisfied by the x. Ax is equal to lambda x. इस equation में ये जो lambda है ये eigen value है इस a का, और ये जो x है ये eigen vector है associated with this lambda of this a. ये एक simple equation है. इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें, सारे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो हैं वो इसी से निकलेंगी. फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है लैम्डा एक्स, ये इस तरफ ले लेफ्ट साइड पे, तो ये जा जाएगा लैम्डा एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो. एक्स कॉमन करें तो लैम्डा आई एन माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो. ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आ गई है आपके पास, जिसमें आप इसका लैम्डा कैसे फाइंड करते हैं और इसका एक्स इस इक्वेशन से कैसे फाइंड करते हैं इसका प्रोसीजर नीचे डिटेल में डिस्कस हुआ है. अब ये जो इक्वेशन है ये रिमार्क के तौर पे रिमार्क वन है. ये इक्वेशन अगर आप देख लें एक्स इक्वल टू जीरो यानी ट्रीवियल सोल्यूशन, ये इस इक्वेशन का ट्रीवियल सोल्यूशन, बड़े इजीली आप इसको यहाँ से देख सकते हैं. ये इक्वेशन फॉर एक्स इक्वल टू जीरो ये सेटिस्फाई होता है, पर हम ये ट्रिवियल है, हम कोशिश करें कि नॉन जीरो, हम इंटरेस्टेड होते हैं कि नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए इस इक्वेशन को डिस्कस किया जाए. अब ये एक एग्जांपल छोटा सा है, अगर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आती है वो वन होती है इसी में अपोर्ट का, यानी इस ए की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू वन एक्स, यानी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू जो है वो वन आती है, और कोई भी नॉन जीरो वेक्टर एक्स इन आर एन ये इक्वेशन उसके लिए सेटिस्फाई होगा. यानी आई एन के लिए एक ही आइगन वैल्यू आएगी लैम्डा इक्वल टू वन, और कोई भी वेक्टर एक्स आर एन का ये इस लैम्डा के करिस्पॉन्डिंग इसका आइगन वेक्टर होगा. ये एक थ्योरम है, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर रूट्स ऑफ द करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए. करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि इस इक्वेशन को अगर आप कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज करें, थोड़ा सा एक दो स्टेप की कैलकुलेशन है, लैम्डा आई एन माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो. इसका जो कॉफिशेंट है वो आता है लैम्डा आई एन माइनस ए, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट ले लें ये इसका करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है. और अगर इसी डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो ले लें, ये यानी इसी करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो अगर आप ले लें तो ये इसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है. और इसी इक्वेशन से आपको लैम्डा की वैल्यू यानी आइगन वैल्यूज जो है वो मिल जाती है, और उसके करिस्पॉन्डिंग फिर हम आइगन वैक्टर कैसे निकालते हैं ये डिटेल में, बस वो होमोजीनियस सिस्टम को लैम्डा के करिस्पॉन्डिंग सॉल्व करना है कैसे, आइए देखते हैं. ये उसी करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो ले लिया, ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आप ए कहलाता है. आइए इससे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.1 में है, जो कि इसी किताब के पेज
जो कि 354 कोई और पेज नंबर है, ये पेज नंबर सही नहीं निकला। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स ए है, लिम्डा ए पार्ट में उसका ये हमने देखना है कि लिम्डा इक्वल टू वन, जिसको हमने लिम्डा वन कहा है, दिस इज वन, ये आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स के लिए और ये आइगन वेक्टर है इसी मैट्रिक्स के लिए, ये हमने वेरीफाई करना है। सेकंड पार्ट इसका ये है कि एक आइगन वैल्यू 4 गिवन है और आइगन वेक्टर जो है वो ये गिवन है, हमने यानी ये आइगन वेक्टर इसके करिस्पॉन्डेंट है, हमने इसको भी वेरीफाई करना है कि क्या वो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, बस जस्ट इसमें वैल्यू पुट करके ये देखना है कि वाकई इक्वेशन सेटिस्फाई होनी है कि नहीं। तो आसान है, ये सबसे पहले मैं उसका लेफ्ट साइड ए एक्स वन ये निकाल लूँगा, ए यहाँ पे मेरे पास ये गिवन है ए पार्ट में, एक्स भी गिवन है, दोनों वैल्यू यहाँ पुट करके मैंने मल्टीप्लाई की तो आपके पास आंसर आया आर टू आर, और दूसरे साइड पे जो है वो लैम्डा एक्स है, लैम्डा वन है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। तो यही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है लैम्डा इक्वल टू वन, और इसके लिए यही हमने वेरीफाई करना है। इसी तरह से बी पार्ट में आप लैम्डा अगर 4 ले लें और एक्स ये ले लें तो इक्वेशन के इस तरफ ये ए और एक्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो लैम्डा इन टू यानी लैम्डा 2 इंटू एक्स 2, इससे जो आंसर आता है ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ये भी वेरीफाई हुआ। क्वेश्चन 5 है इसका कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर दिस मैट्रिक्स ए व्हिच इज गिवन हियर। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जैसे हमने डिस्कस किया था पीछे कि ये जो लिम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट है वो इसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। अब चूंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ मेरे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो 3x3 की होगी, अगर ये 2x2 तो यहाँ आप 2x2 का मैट्रिक्स लें, ये 4x4 का मैट्रिक्स हो तो यहाँ पे 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लेना है। इसी में अब अगर आप ये वैल्यूज पुट कर लें, लैम्डा मल्टीप्लाई करें लैम्डा आई 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आई 3 बेसिकली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो लैम्डा मल्टीप्लाई करें तो डायगोनल में 1 आ जाएगा, बाकी सारे एंट्री 0 से। अगर आप मैट्रिक्स ए सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये आ जाता है लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन करके ये मेरे पास ये मैट्रिक्स आया। अगर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका है लैम्डा माइनस 4 इंटू दिस एंड दिस और सेकंड एंड थर्ड टर्म जो है ये 0 आ जाएंगे, तो दिस पॉलिनोमियल ये मल्टीप्लाई करें सिंपली तो आपके पास ये जो डिग्री 3 का ये पॉलिनोमियल है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है फॉर दिस जो कि रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन वैल्यूज एन आइगन वेक्टर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस। तो मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स गिवन है, एक पार्ट है जिसमें ए गिवन है 2-2 3-0 3-2 0-1 2, यानी ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आइगन वैल्यूज और उसके करिस्पॉन्डिंग फिर आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जैसे मैंने कहा लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट आप ले लें लैम्डा आई, तो मैंने जैसे बताया सिंपली ये लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा, बाकी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये लैम्डा आई माइनस ए और इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट जब आप कर लेंगे तो सिंपल जैसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये मैंने यहाँ निकाला है, ये तो जस्ट मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए इसको मल्टीप्लाई किया। इसी इक्वेशन को अगर आप इक्वल टू जीरो करें तो यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, और मैंने कहा था कि इसी से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी और लैम्डा की वैल्यूज ही हमारे पास जो है वो आइगन वैल्यूज हैं। तो इसको अगर इक्वल टू जीरो कर लें तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 1, 2 और 4 आती है, और यही लैम्डा की वैल्यू जो है ये हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं। ये आइगन वैल्यूज सेकेंड पार्ट ऑफ इस क्वेश्चन के आइगन वैल्यूज हमने निकालनी थी।
अब इन्हीं आइगन वैल्यूज के करिस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। हर आइगन वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर निकलेगा। अब इस पहला वाला मैंने ले लिया, इसी तरह से मैं दूसरे का और तीसरे का भी करूँगा, यही प्रोसीजर होगा। पहला मैंने ले लिया, मैंने इसको से पहला आइगन वेक्टर है तो उसको मैंने फॉर एग्जाम्पल लेमडा वन कहा, लेमडा वन इज इक्वल टू वन। आप किसी का भी पहले ले सकते हैं, इसका इसका मर्जी है। सर ये मेरा पहला आइगन वैल्यू, इसके करिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे आता है, वही इक्वेशन है एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, मैंने यहाँ पे इसको लेमडा वन कह दिया और इसके करिस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर निकलने वाला है उसको फॉर एग्जाम्पल एक्स वन कह दिया। तो इसको ज़रा रीअरेंज करें, लेमडा एक्स वन जैसे मैंने पहले बताया इसको इस तरफ लिया इक्वेशन के, तो ये लेमडा वन एक्स वन इज माइनस ए एक्स वन और उसमें से एक्स वन कॉमन करें तो आपके पास ये होमोजेनियस इक्वेशन है। बस अब कहानी बाकी सारी सिंपल है। ये लेमडा के करिस्पॉन्डिंग जो एक्स वन है यानी आइगन वेक्टर, ये इस होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन है। इस होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन निकाल लें, आपको इस लेमडा इक्वल टू वन के करिस्पॉन्डिंग, आपने लेमडा की वैल्यू वन यहाँ पुट करनी है, उसके करिस्पॉन्डिंग आपको ये आइगन वेक्टर मिल जाएगा। तो सब कहानी बाकी सारे सिंपल, जो आपको मालूम है होमोजेनियस सिस्टम को एक्स वन के लिए सॉल्व करना है और यही एक्स वन आपका आइगन वैल्यू होगा करिस्पॉन्डिंग टू द आइगन आइगन वेक्टर होगा करिस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू वन। तो जैसे प्रोसीजर है इस इक्वेशन को, इसको लेमडा आई माइनस ए को थोड़ा कैलकुलेट कर लें, लेमडा क्योंकि वन है डायगनल में वन से इस ए की वन माइनस करें और बाकी ए की एंट्री सारी जो है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर ली जिससे ये मैट्रिक्स आया और ये होमोजीनियस सिस्टम मेरे पास आ गया। लेमडा आई माइनस ए का रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये आया, ये वो एक्स है और ये टोटल होमोजीनियस इक्वेशन आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीकेकार आपको मालूम है, एलिमिनेशन से करें या गॉस जॉर्डन से करें। यहाँ गॉस जॉर्डन से मैं इस होमोजीनियस सिस्टम का जैसे सिंपल तरीकेकार है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लूंगा, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिस लाइन विद दिस जीरो जीरो जीरो। तो ये मेरे पास इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया और जैसे गॉस जॉर्डन का तरीकेकार है उसको इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेके आना है। एक दो ऑपरेशन यहाँ जो मैंने रो ऑपरेशन लिखी है वो कर लें तो आपके पास ये सिस्टम इस फॉर्म में आ जाएगा, जो आपको सिंपली कह रहा है कि ये इसका सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट है। एक्स थ्री का कोएफिशिएंट चूंकि जीरो है, एक्स थ्री आर्बिट्री लेंगे तो एक्स थ्री को जैसे नॉर्मली हम लेते हैं दिस इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज एनी आर्बिट्री रियल नंबर। यहाँ से आपके पास एक्स टू माइनस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो यानी ये इक्वेशन आ जाएगी जिसमें आप x2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी यानी x2 इज इक्वल टू x3 आ जाएगा और x3 की वैल्यू आप यहाँ से लगा रहे हैं। यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन और उससे आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन से x1 की वैल्यू आ जाएगी। ये x1 x2 और x3 जैसे मैंने कहा था ये आप x आपका सोल्यूशन है और यही सोल्यूशन ही बेसिकली आपका आइगन वेक्टर है एस लैम्डा की करिस्पॉन्डिंग। यहाँ मैं पर्टिकुलर अगर आइगन वेक्टर निकालना चाहता हूँ तो आर ये किसी भी आर के लिए ये ट्रू आइगन वेक्टर है फॉर लैम्डा इक्वल टू वन, तो पर्टिकुलर आइगन वेक्टर आर अगर मैं वन कर दूँ तो ये माइनस वन वन वन, ये पर्टिकुलर आइगन वेक्टर इन पर्टिकुलर ये करिस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू वन है, यानी आइगन वैल्यू करिस्पॉन्डिंग टू वन बिकॉज ये वैल्यू वन हमने पुट करके ये आइगन वेक्टर निकाला था। तो हर आइगन वेक्टर बेसिकली करिस्पॉन्ड करता है अपने एक आइगन वैल्यू की, आइगन वैल्यू होगी तो उसी की करिस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली टू और फोर के लिए भी यही प्रोसीजर है, इसी इक्वेशन में ये दूसरा जो है टू और इसी तरह फोर इसी पुट कर लें, इसी तरह से आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन आएगा उसका सोल्यूशन निकाल लें वही उसका आइगन वेक्टर। इसी तरह से फोर इसी इक्वेशन में पुट कर लें यानी फोर आई माइनस ए, तो फोर माइनस टू फोर माइनस थ्री फोर माइनस वन, बाकी ये एंट्री सारी उसी तरह से और ये आपके पास एक दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा उसका सोल्यूशन आप निकाल लें वो फोर के करिस्पॉन्डिंग, इसी तरह से टू के करिस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर जो है मिल जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम
9 है कि फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर दिस मैट्रिक्स गिवन हियर, तो तरीकेकार वही सिंपल कि इसका जो लेमडा आई माइनस ए है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करके लेमडा की वैल्यूज निकाल लें। यही लेमडा की वैल्यू जो है आइगन वैल्यूज है, और हर आइगन वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिल सकता है। सिंपल तरीका है, मैं अगर इसका ये पहला ले लूँ, मैंने उसको फॉर एग्जाम्पल कहा कि दैट इज लेमडा वन पहला है, तो लेमडा वन का ये लेमडा टू ये लेमडा थ्री, जस्ट नोटेशन लेमडा वन लेमडा टू की दी। इसी को अगर आप उसी होमोजीनियस इक्वेशन, ये होमोजीनियस इक्वेशन आएगा ना लेमडा आई थ्री माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो, जैसे हमने पीछे प्रोसीजर किया लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर लें, तो आपके पास जो है इसका ये जो होमोजीनियस इक्वेशन आएगा उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने डायरेक्ट लिखा है, वही प्रोसीजर है। लेमडा की वैल्यू वन पुट करें तो ये जीरो माइनस टू और ये थ्री आ जाता है, और इसका अगर आप होमोजीनियस इसे होमोजीनियस इक्वेशन का अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें ये आता है, और आप अगर रो ऑपरेशन करके जैसे का जॉर्डन में हम करते हैं ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म या इचेलॉन फॉर्म में लें आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसका भी जैसे एक्स थ्री का आर्बिट्री एक कोएफिशिएंट जीरो है, तो एक्स थ्री आर्बिट्री है फाइनाइट मैंने सोल्यूशन है, एक्स थ्री की जगह मैंने आर यानी कोई भी रियल नंबर के लिए ये इसका सोल्यूशन जनरली एग्जिस्ट करता है। इस दूसरे रो से आपको एक्स टू की वैल्यू ये मिल गई है, एक्स थ्री की वैल्यू जस्ट पुट करनी है, और पहले रो से विच इज एक्स वन माइनस टू एक्स टू, इससे आपके पास एक्स वन की वैल्यू मिलेगी। तो आपको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट कर लें ये एक्स जो सोल्यूशन है उसमें आप डालें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू, तो ये आपका उसके करिस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आता है ये लेमडा जो आपने लिया था लेमडा इक्वल टू वन उसके करिस्पॉन्डिंग आता है। अब अगर आपने इसका पर्टिकुलर आइगन, यही असल में आइगन वेक्टर ऐसी करिस्पॉन्डिंग, अगर आपने इसका पर्टिकुलर एक आइगन वेक्टर निकालना है ये आर्बिट्री है आर के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो आर वो मैंने सिंपल वैल्यू पुट की जिससे फ्रैक्शन खत्म हो जाए, एक जस्ट पर्टिकुलर कोई भी आर की वैल्यू लगा सकते हैं, मैंने सिंपली वो लगाएं कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, जस्ट आसानी के लिए आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे आर इक्वल टू एट लगाएं ये फ्रैक्शन खत्म ये फ्रैक्शन और ये, तो आपके पास जो इसके करिस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर आइगन वेक्टर आता है लेमडा इक्वल टू वन के लिए वो ये है। इसी तरह से वही प्रोसीजर इसका जो दूसरा वेक्टर दूसरा आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू थ्री है, लेमडा टू मैंने उसको कहा, उसी इक्वेशन में पुट करके उसका होमोजीनियस इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लें गॉस जॉर्डन के थ्रू, ये रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इसका रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में ले आए, ये उसका सोल्यूशन है, डिटेल में मैंने यहाँ लिखा है सोल्यूशन, इसमें पुट कर लें तो ये जो आपका उसके करिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है ये निकला, यानी वही सोल्यूशन ही है एक होमोजीनियस इक्वेशन का वो निकालना है। इसमें से पर्टिकुलर जो आइगन वेक्टर है वो आर के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप लिख सकते हैं, मैंने सिंपली वो लिखा कि फ्रैक्शन खत्म किया है, बाकी आप आर के कोई वैल्यू पर्टिकुलर लगा सकते हैं, पर्टिकुलर लगाने की जरूरत भी नहीं। वैसे अगर आपने करना हो तो लेम आर अगर इक्वल टू टू पुट करें तो ये जीरो फाइव और टू ये आइगन वेक्टर जो है लेमडा इक्वल टू थ्री के करिस्पॉन्डिंग आता है। इसी तरह से तीसरा है इसका आप लेमडा जो कि टू निकला था उसी में पुट करके लेमडा आई माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो उसमें लेमडा की वैल्यू टू पुट करके जो आपके पास होमोजीनियस सिस्टम आता है उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो सिंपली उसमें आप पुट कर लें यही होमोजीनियस सिस्टम का यही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आता है। रो ऑपरेशंस मैंने यहाँ उसके ऊपर लिखी हुई है, ये रो ऑपरेशंस अगर आप अप्लाई कर दें तो आपके पास इसका जो सोल्यूशन आता है ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और ये इसका सोल्यूशन आया एक्स थ्री जो है वो जीरो जीरो आर आर पर्टिकुलर आइगन वेक्टर अगर आपने निकालना है तो आर सिंपल वैल्यूज में पुट करें, मैंने वन पुट की तो ये जनरली इसके करिस्पॉन्डिंग एक्स थ्री जो है जीरो जीरो आर एक वैक्टर जो आया हुआ ये लेमडा थ्री के लिए एक आइगन वेक्टर है। अगर आपने पर्टिकुलर इसके करिस्पॉन्डिंग करना है तो जस्ट आर को वन पुट कर लें, कोई भी आर की वैल्यू वन पुट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट वैल्यू वन पुट करें तो ये पर्टिकुलर आइगन वेक्टर है इस लेमडा थ्री इक्वल टू टू के लिए। इसी तरह से ये प्रॉब्लम 10 है इसी एक्सरसाइज के, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर दिस मैट्रिक्स, तो वही इक्वेशन में पुट कर लेना है डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो पुट करके लेमडा की वैल्यूज निकाल लें
और फिर उनकी करेस्पॉन्डिंग लिम्डा आई माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो, यानी उसमें लिम्डा की वैल्यू पहले ये पुट कर लें, उसके करेस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस इक्वेशन आता है ये है, और उसके रो ऑपरेशन सिंपल मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ से जो उसका सोल्यूशन आता है वो ये है, और यही सोल्यूशन उस लिम्डा इक्वल टू जीरो के लिए ये उसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। और पर्टिकुलर अगर आपने निकालना है पर्टिकुलर आर की वैल्यू सिंपलेस्ट पुट की, हम सिंपलेस्ट वन पुट कर लें तो ये उसका पर्टिकुलर आइगन वेक्टर है लैम्डा इक्वल टू जीरो के लिए। सिमिलरली अगर उसी इक्वेशन में लैम्डा इक्वल टू टू पुट करें, यानी लैम्डा आई माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन में लैम्डा इक्वल टू टू पुट करें, तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस इक्वेशन आता है डायरेक्ट मैंने बड़ा सिंपल है छोटा सा होमोजीनियस इक्वेशन आता है उसके करिस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिखा है, एक दो ऑपरेशन करके आपको ये उसका सोल्यूशन गॉस जॉर्डन से मिल जाएगा, जो प्रोसीजर है वो ऑपरेशन सिंपल ऑपरेशन से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये उसके करिस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है लैम्डा इक्वल टू टू के लिए वो आई, और ये पर्टिकुलर यानी आर की वैल्यू पर्टिकुलर लगाने की जरूरत भी नहीं, अगर आपने पर्टिकुलर लगाना है तो पर्टिकुलर आर सिंपल वैल्यू लगा के उसके करिस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर है। ये डेफिनेशन इससे पहले कि हम बेसिस फॉर द आइगन स्पेस है, व्हाट डू वी मीन बाय आइगन स्पेसेस, तो जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं टुगेदर विद जीरो, इसको अगर एक सेट में ले लें तो ये सेट एक वेक्टर स्पेस बनाता है जिसको हम आइगन वेक्टर स्पेस कहेंगे, लेकिन एक शॉर्ट लफ्ज उसके लिए यूज करेंगे आइगन स्पेस। आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद द लैम्डा, इस वजह से कि हर आइगन वेक्टर जो है वो एक आइगन वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग निकलता है, इसलिए ये कहा है कि आइगन स्पेस एसोसिएटेड विद लैम्डा, यानी जितने भी लैम्डा जाए उसके करिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकल आएंगे, और जैसे हमने पिछले प्रोसीजर में देखा उनको एक सेट में लिख लें टुगेदर विद जीरो ये वेक्टर स्पेस बनाता है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस बनाता है तो उसके कोई बेसिस होगी, और बेसिस कैसे फाइंड करना है वो यहाँ इन प्रॉब्लम से आपको क्लियर हो जाएगा कि उस आइगन स्पेस यानी उस आइगन वेक्टर स्पेस का बेसिस और डायमेंशन कैसे फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 19 है कि इस वेक्टर इस मैट्रिक्स के लिए बेसिस फॉर द आइगन स्पेस फाइंड करना है। तो वही इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स थोड़ी सी रीअरेंज करके लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू जीरो, इसका डिटर्मिनेंट इसका जो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लैम्डा आई माइनस ए आता है इसको अगर इक्वल टू जीरो पुट कर लें तो आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। वही प्रोसीजर है यहाँ मैंने पुट की, और आपके पास ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो पुट करके सिंपल कैलकुलेशन करके मेरे पास जो आइगन वैल्यूज हम जिसे आई है वो ये है। अब इन आइगन वैल्यूज के करिस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर फाइंड करना है, आइगन वेक्टर यानी इसी होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन, उसी सोल्यूशन से असल में फिर उसका बेसिस हमारे पास आ जाएगा, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस वही सिस्टम का सोल्यूशन निकालना एक दो स्टेप मजीद करने। तो ये आइगन वेक्टर में मेरे पास दो सेम है, तो लैम्डा वन लैम्डा टू की मैंने टू किया, लैम्डा थ्री लैम्डा फोर से कोई भी ये पहला ले लें, ये पहला ले ले की बात है चूंकि दो सेम है तो मैंने बस एक ले लिया इसको और एक भी एक ले लिया, हमने मतलब चार आइगन वेक्टर्स फाइंड करने, चूंकि वन वन सेम ही है तो बस इस वन के लिए एक दफ़ा और इस फोर के लिए एक दफ़ा, ये टू के लिए एक दफ़ा मैं फाइंड कर लूँगा। तो मैंने उसमें से सबसे पहले ये लैम्डा इक्वल टू टू ले लिया, और ये लैम्डा आई माइनस एम है जैसी प्रोसीजर है, लैम्डा आई माइनस ए यानी लैम्डा इक्वल टू टू इसमें पुट कर लें तो आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम आ जाएगी, और उस होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन हमने निकालना है, सोल्यूशन का जो गॉस जॉर्डन मेथड मैंने यहाँ अप्लाई किया है उसका प्रोसीजर है कि आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उस होमोजीनियस सिस्टम का लिख के ये मैंने हाईलाइट जो किया है ये लिखा, वही जो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में लेके आना है, ये सारे रो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किए हुए हैं और ये एचलन फॉर्म में ले, एचलन फॉर्म से भी आपको सोल्यूशन मिल जाता है, और हियर द एक्स फोर इज जीरो, एक्स थ्री इज जीरो एंड एक्स वन इज आर्बिट्री, एक्स टू इज आर्बिट्री, ये इससे खुद ही पता चलता है। यहाँ से मैं रिड्यूस एचलन फॉर्म में यहाँ वन यहाँ वन यहाँ वन यहाँ वन बाकी इसको जीरो करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ जीरो है, यहाँ भी ऑटोमेटिकली जीरो आया, यहाँ ऑटोमेटिकली वन यहाँ वन, तो ये ऑटोमेटिकली वो जीरो जीरो आए, इसलिए आर्बिट्री सोल्यूशन में एक्स टू और एक्स वन जो है वो आर्बिट्री है। एक्स वन को सेम मैंने कोई रियल नंबर एक्स कह दिया और एक्स टू को मैंने कोई रियल नंबर आर कह दिया,
ये सोल्यूशन x1, x2, x3, x4 की वैल्यूज आप लगा लें। अब वो प्रोसीजर जैसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यहाँ दो आर्बिट्री वैल्यूज है R और S, तो इस कॉलम मैट्रिक्स को दो के एडिशन में लिख लें, यानी R को अलहदा कर लें, S को अलहदा कर लें, यानी R प्लस 0 S है, 0 R प्लस S है, यहाँ 0 R प्लस 0 है, 0 R प्लस 0 S, यानी दोनों 0 है तो दोनों का कोएफिशिएंट 0, R और S को अलहदा कर लें और फिर उसमें से यहाँ से R और दूसरे से S कॉमन कर लें, यानी इसको दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया सोल्यूशन को, यानी R और S को कॉमन करने के बाद। यही प्रोसीजर था कि सोल्यूशन स्पेस का जो बेसिस होता है वो सोल्यूशन को आखिर में जितने भी वेक्टर्स आते हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें, जो ये वेक्टर्स यहाँ आए हुए हैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन में, जो प्रोसीजर पहले हमने डिस्कस किया था ये उसका बेसिस बनाता है, ये जो वेक्टर और ये वेक्टर उनको एक सेट में लिख लें, तो ये जो आपके पास बेसिस बनता है फॉर दिस आइगन वेक्टर जो कि आपने लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग निकाला था, ये उसके लिए बेसिस आ गया, यानी ये उसका बेसिस है उस वेक्टर स्पेस का जो कि आइगन स्पेस है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2। सिमिलरली हम लैम्डा इक्वल टू 1 अगर उस इक्वेशन लैम्डा आई माइनस ए एक्स में पुट कर लें और उस होमोजीनियस सिस्टम को गॉस जॉर्डन से सॉल्व करके, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले उसका लिख लें, रो ऑपरेशन सिंपली उसी तरह से अप्लाई कर लें और उसका सोल्यूशन जो मैंने यहाँ डिटेल में निकाला हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, x4 ये रिड्यूस एचलान फॉर्म में क्या सोल्यूशन मिलता है, एचलान फॉर्म में x4 इज 0, थोड़ी सी कैलकुलेशन एक दो स्टेप और करनी पड़ती है, x3 इज आर्बिट्री जिसको मैंने x कह दिया, इसी तरह से x2 यहाँ उसका कोएफिशिएंट 0 है तो ये आर्बिट्री है और ये इससे x2 की वैल्यू यहाँ है, यहाँ कोएफिशिएंट उसका है 1, x3 आर्बिट्री, x4 0, x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू इस वर्ग से निकल आएगी। ये जो x1, x2, x3, x4 है ये आप यहाँ पे रिपोर्ट कर लें तो बस ए की आर्बिट्री वैल्यू x आई है, x को उसमें से कॉमन कर लें तो जो आपका आइगन वेक्टर ये लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, जो लैम्डा इक्वल टू 1 था उसके करस्पॉन्डिंग जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन आई है वो ए की वेक्टर की है, यानी जो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस होगा उसका बेसिस जैसे प्रोसीजर है उसका बेसिस जो है उसमें सिर्फ ये एक एलिमेंट होगा।